Hello students, today we are going to start another chapter number 8, that is electricity and magnetism. और पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे. तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है और इन्जॉयबल बनाती है, राइट. और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हम प्रेफर करते हैं बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में से ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं. इट इज़ कंट्रोलेबल, ठीक है, ये कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं. और इन्हीं कारणों की वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमारी फर्स्ट चॉइस होती है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये बहुत सारी वैरायटी ऑफ यूजर्स में हम इनको देखते हैं. जैसे कि ये हमारे घर में काम आती है, ऑफिस में काम आती है, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल्स और बहुत सारे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इन सब जगहों में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी लाइफ इज़ नॉट, वी कैन नॉट से इट इज़ कम्प्लीट, क्योंकि हम हर एक चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट होती है. तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है और ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू करंट फ्लो होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट. और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे. और यहाँ पे हम कुछ टर्म्स हैं जिनको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे. जूनियर क्लासेस में हम ऑलरेडी मैग्नेट्स और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं. तो इन ईयर 1820 में H.C. ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंटली इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो वायर जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो वो वायर एज अ मैग्नेट बिहेव करता है. और ऑर्स्टेड की जो ये ऑब्जर्वेशन है, इसने इस चीज़ को बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड फिनोमेनन है और मैग्नेट को बनाया जा सकता है बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जिन मैग्नेट्स को इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके बनाया जाता है, उन मैग्नेट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोला जाता है. तो इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं और किस तरह से अर्थ बिहेव करती है मैग्नेट की तरह. तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इस चीज़ को समझने के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी को के बारे में अगर हम बात करें कि या तो आप प्लास्टिक की कॉम ले लीजिए या फिर पेन ले लीजिए प्लास्टिक का, और उसके पास आप छोटे छोटे से पेपर्स के पीसेस को काट के रख दीजिए या फिर स्ट्रॉ ले लीजिए. और जब आप उसके पास लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में नहीं है. इसके बाद सेकेंडली आप क्या करेंगे कि प्लास्टिक कॉम या पेन जो भी आप ले रहे हैं, आप उसको रब कीजिए ड्राई हेयर, ठीक है, अपने सर के बाल जो कि सूखे हों ड्राई हेयर पे उसको रब कीजिए, या फिर पॉलिएस्टर या वुलन क्लोथ के कपड़े के पीस के साथ आप उसको रब कीजिए. और उसके बाद रब करने के बाद में जब आप छोटे छोटे पीसेस जो आपने पेपर के लिए उसके पास ले जाएंगे या स्ट्रॉ के पीसेस के पास ले जाएंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो पेन या कॉम दोनों में से कोई एक चीज़ जो आप ले रहे हैं वो इन पीसेस ऑफ पेपर और स्ट्रॉ के जो पीसेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. तो ये जो सिंपल एक्टिविटी है ये शो करती है कि प्लास्टिक कॉम या रब जो भी पेन जो भी आपने लिया है, जब आपने उसको सूखे बालों पर रब किया या पॉलिएस्टर या वूलन क्लोथ के साथ उसको रब किया, तो उसमें एक स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टी डेवलप हो गई जिसकी वजह से वो पेपर के पीसेस को या स्ट्रॉ के पीसेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया अपनी तरफ. तो इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में यही प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि कॉम्ब ने एक्वायर कर लिया या पेन में एक्वायर कर लिया जब उसको रब किया गया ड्राई हेयर के अगेंस्ट में या फिर पॉलिएस्टर या वुलन क्लोथ के अगेंस्ट में. तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज सब्सटेंस की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से या तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है या फिर एक फोर्स को एक्सर्ट करता है उस सब्सटेंस के ऊपर जो उसके आसपास कहीं पे रखा हुआ है. तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम स्टडी करेंगे या हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं जिनको हम पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कहते हैं. जब ग्लास रॉड को सिल्क फाइबर या क्लोथ के अगेंस्ट भी रब किया जाता है तो ग्लास रॉड और सिल्क दोनों ही
चार्ज को एक्वायर करते हैं। तो बाय कन्वेक्शन जो चार्ज ग्लास रॉड एक्वायर करती है उसको पॉजिटिव कहते हैं, और जो चार्ज सिल्क रॉड ने एक्वायर किया वो उसको नेगेटिव कहा जाएगा। इसी तरह से अगर हम इबोनॉइड रॉड, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक रबर, हार्ड रबर की रॉड होती है, उसको अगर रब किया जाता है वूल से, तो जो इबोनॉइड रॉड है या फिर प्लास्टिक रॉड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वॉट इज़ अ कॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ये क्यों होता है ऐसा। तो हमको पता है कि जो बेसिक यूनिट मैटर की है वो एटम है, ठीक है, और एटम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं, अनचार्ज न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसके चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसके शेल के चारों तरफ अराउंड रोटेट करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, राइट। सो जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के एटम के अंदर होते हैं वो एग्जैक्टली नेगेटिव चार्ज के इक्वल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पे होते हैं। तो इसीलिए जो एटम है एज अ होल उसको हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने उसमें नेगेटिव होते हैं। तो एटम इज नोन एज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो मटीरियल ऑर्डिनरली न्यूट्रल ही होते हैं, अनचार्ज ही होते हैं। अगर उनको इलेक्ट्रीफाई करना है तो हमें क्या करना है कि या तो उसमें कुछ चार्जेस को ऐड करना है या फिर उनमें से चार्जेस को निकालना है। तो अगर हम ऐड करते हैं या उनमें से चार्जेस रिमूव करते हैं तभी उसमें हम इलेक्ट्रिफिकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ग्लास रॉड को रब किया जाता है सिल्क पीस के साथ तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ग्लास रॉड से सिल्क के पीस पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो जाती है और ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। उसी तरह से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिल्क में चले जाते हैं और वहां पर जब एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जिसकी वजह से सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, राइट। सो इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें इबोनॉइड रॉड का, अगर हम उसको रब करते हैं वूल या फर के साथ तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं फर से रॉड की तरफ। तो जो फर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, और इबोनॉइड रॉड में नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे क्योंकि इसने चार्जेस को गेन किया है।